Welcome everyone, welcome to Ride a Soul MP15. और आज हम हैं guest spot where we are today. आज हम हैं पुणे महाराष्ट्र. और आज का ब्लॉग हमारा होने जा रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड खास. को हम आज जाने वाले हैं पुणे से लगभग 51 किलोमीटर दूर जो है लोनावला. काफी मेरे भाइयों ने लोनावला का नाम सुना होगा. तो आज हम चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं लोनावला को, क्या कैसा वहाँ पर हो रखा है. और अभी के मौसम में सुना है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वहाँ के व्यूज़ हो रहे हैं. तो चलते हैं. और फिलहाल हम अभी हैं होटल यूके एग्जीक्यूटिव में. और एज पर भाई हम तो जहाँ जाते हैं अपना घर बना ही लेते हैं. तो देख लेते हैं रूम की हालत भी क्या हो रही है. रूम को उनके हालात को छोड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से बाहर. और बाहर चलने के बाद में भी फिलहाल लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख. तो सबसे पहले हैव सम ब्रेकफास्ट, उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ से कहीं और यानी कि लोनावला. और चलते हैं वहाँ के व्यूज देखते हैं क्या कैसा हो रखा है. सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे, बाय गाइस. सो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं आसपास कहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. मौसम तो काफी क्लियर है आज यहाँ पे और बेहद अच्छा लग रहा है. देखते हैं आगे क्या होता है. तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है जो है मराठी डोसा. कैब के अंदर नाउ द जर्नी हैज बीन बिगन टू लोनावला. और चलते हैं अब आगे एंजॉय करते हैं हमारे सफर को. सो ये हम चल पड़े लोनावला की तरफ. और धीरे धीरे जैसे ही हम लोनावला के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं अंदर से एक्साइटमेंट लेवल जो है काफ़ी पीक पर पहुंच रहा है. और पुणे सिटी से हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम वादियों का नज़ारा देख सकते हैं. और ये जो फ्रेश एयर है जो कि बड़ी बड़ी सिटीज से काफ़ी ज़्यादा मिस हो गई है, इस मामले में मेरे को पुणे काफ़ी रिच लगा क्योंकि चारों तरफ से सराउंडेड है ये बड़े बड़े माउंटेन्स से और फॉरेस्ट से. तो मूड खुश कर देने वाला माहौल उधर पर. We'll be right back.
I just can't believe that we are on Earth. जरा सामने माउंटेन्स के व्यू को तो देखिए भाई, जनाब ऐसा लगता है जैसे हम हेवन में पहुंच चुके हैं। किसी भी बंदे को इधर आके इस जगह से प्यार ना हो गया तो लोनावला ही किस बात का। एनीवेज, द व्यूज ऑफ द माउंटेन्स दिल को छू जाने वाले हैं इस एरिया के, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मूड ख़राब भी हो बंदे का तो इधर आके ठीक हो जाएगा, दिस इज़ माई गारंटी फॉर श्योर। वेदर काफ़ी साफ चल रहा था और अब हमने बारिश के भी लुत्फ उठा ही लिए आखिरकार। खैर, इस एरिया में बारिश होना आम बात है ऑलमोस्ट सभी सीजन में। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड द लोनावला और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है और अब चल के हम आगे एक्सप्लोर करते हैं इसको। ऑलराइट, तो अभी अभी हमारी कैब हमें यहाँ पे छोड़ के गई हुई है, अब बढ़ते हैं हम आगे। सो गाइस,
गाइस अब हमने ले लिया टैक्सी एंड सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होने वाला है लोनावला के अंदर खंडाला आती क्या खंडाला वाला जैसे पैद अभिया रोमी हमारे गाइस तो सबसे पहले चलते हैं खंडाला और वहाँ के व्यूज देखते हैं एंड देन आफ्टर हम आगे अपने सफर को बढ़ाएंगे। कि आपको खंडाला के व्यूज काफी अच्छे लगे होंगे और उसके बाद में हमारा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है तुंगरी डैम और नाउ लेट्स मूव टू दी टूवर्ड्स तुंगरी डैम और फिर देखते हैं तुंगरी डैम का सुना है कि इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है और इससे भी ज्यादा हिल टॉप व्यूज तुंगरी डैम से ज्यादा अच्छा आता है सो लेट्स गो एंड सी द व्यूज फ्रॉम देयर आल्सो सो लेट्स गो गाइस सो गाइस सो यू कैन सी बिहाइंड मी द नोन एज द खंडाला लेक और पहले हम चलते हैं खंडाला लेक और उसके बाद में हम जाएंगे तुंगरी